जय हिंद, आप सभी का फिर से स्वागत है फोर के ट्यूब स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग BEBAE 181 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे, MCQ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और आपको ये पता होगा कि इसका सिलेबस में MCQ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग लाए हुए हैं और ये रेगुलर क्लासेस चलती आ रही है। और आपको ये भी बता दूं कि इस सब्जेक्ट के लिए अब तक जो है ना 63 क्लासेस अपलोड हो चुकी है। 63 क्लासेस, मतलब समझ पा रहे हो कितने, लगभग इसमें जो अप्रोक्स जो है, अगर मैं मान के चलूँ ना, एवरेज निकालूँ तो लगभग 2500 क्वेश्चंस के आसपास, मतलब प्लस ही होना चाहिए, इतने क्वेश्चंस को हम लोग प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं। इसमें आपको क्या क्या देखने को मिलेगा कि अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए थे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। और आपका चैप्टर वाइज जो है MCQ क्वेश्चन, जैसे चैप्टर 1, 2, 3 में जितने भी MCQ क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं चैप्टर वाइज में, उनको हम लोग इंक्लूड कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग कुछ ऐसे प्रैक्टिस सेट के तौर पर लाए हैं जो लगातार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रैक्टिस सेट के तौर पर हम लोग कुछ क्वेश्चन को भी कर चुके हैं। तो इतना क्वेश्चन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगा, ये 64वां क्लासेस हैं तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। और अभी बहुत जल्दी, मतलब कि एक और मैं सेशन लाने की कोशिश करूंगा जिस पे मैंने जो है ना अपना जो PDF, मैंने 100 पेज का PDF बना के आप सबों के बीच लाया हूं, उनको मैं एक ही वीडियो में पूरा का पूरा A to Z आपको मैराथन क्लास के तौर पर आपको रिविजन करा दूंगा। जैसे पिछले सेशन के एग्जाम के टाइम में मैंने करवाया था, उसमें 71 पेज का था और उससे काफ़ी हद तक आपको सहायता मिल गई थी, आपके रिविजन के समय में काफ़ी मदद मिला था। कोशिश करूंगा, ओके, उसमें लगभग 2 घंटे का क्लास, एक ही क्लास होगा, मैराथन क्लास, उस पर आपको A to Z मिल जाएगा, है ना। तो आप उनको भी जरूर देख लीजिएगा, बहुत जल्द आ जाएगा, आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, इन्फॉर्मेशन दे दिया जाएगा, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं। और इसका PDF भी तैयार कर दिया गया, जो मैंने बात अभी जस्ट चर्चा किए थे, 100 पेज का PDF है, जिस तरह से आप देख पा रहे हो ना यहाँ पे, ये सब PDF मैंने प्रोवाइड करवा दिया, पब्लिश कर दिया गया है ना। तो इसके लिए आप कॉन्टेक्ट कर सकते हो, रुको एक नंबर, मोबाइल नंबर इस पर आप यहाँ पे देखिए, मोबाइल नंबर यहाँ भी लिखा हुआ है 92, फिर से मैं लिख दे रहा हूँ आप ताकि स्क्रीनशॉट लेके जो PDF ले सकते हैं, 9241077866, ठीक है। तो आप इससे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कीजिए, आपको PDF मिल जाएगा, ओके। तो इन PDF को ज़रूर आप लीजिएगा, ओके। तो चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को पहले आप देख लेते हैं, है ना, मैंने बता दिया आपको क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो चलिए देखिए इसमें क्या कहा जाता है, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन कहा जाता है, संभावनावाद की परिकल्पना सर्वप्रथम किसने किया था, मतलब किसने के द्वारा जो है ना संभावनावाद की परिकल्पना क्या किया था। ये क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस से है और कई बार पूछे गए हैं, तो इसको मैं कोशिश किया कि फिर से मैं ला दूं। हालांकि मैंने कई बार क्लासेस में भी बताया, लेकिन आपको मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ तो आपके लिए ये बेनिफिट रहेगा कि रिविजन हो रहा है ना, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस तरह से एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है कि ये किनका कथन है, ये किनके द्वारा दिया गया था, ये संकल्पनावाद, ये जैसे कि किनका, ये आपका किसने दिया था, इनके बारे में पूछा गया है। तो इसका आपका जॉन स्टीवन हो गया, मिचेल फेरेडे हो गया, या लियसियन फेवरे हो गया, या राफेल नडाल हो गया। आपको देखिए ये सब जो है ना, सिर्फ ये सब भी को ऑप्शन में देखने को मिल सकता है, जैसे फेवरे देखने को मिलता है ज़्यादातर आपके ऑप्शन में, तो आप इनको भी अच्छे से ध्यान रखना है, ओके। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जैसे आप टिक लगाया हुआ है, लियसियन फेवरे ने ना भावनावाद की परिकल्पना दिया था, ओके। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 105, पर्यावरण पर सन 1992 में किस शहर में संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था, ये ब्राजील में है ना, ब्राजील में जो 1992 में एक संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन किया गया था। ये भी क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, आपको इस तरह से ये सवाल भी पूछे जा सकते हैं कि संयुक्त राष्ट्र का एक सम्मेलन आयोजित किया गया था जो ब्राजील में जो है ना, जो ब्राजील में आयोजित किया गया था वो कब किया गया था, तो 1992 में। तो आपको इसी तरह से सवाल, मतलब थोड़ा बहुत घुमा फिरा के भी पूछे जा सकते हैं, है ना, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे। और आप कमेंट बॉक्स में बताओगे कि रियो डी जेनेरियो क्या है, है ना, यहाँ क्या हुआ था और कब हुआ था, आपको ये बताना है कि ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हर साल देखने को मिलता है हमारे दोस्त, तो आप इनको बताना है आपको कॉमेंट बॉक्स में कि रियो डी जेनेरियो में क्या हुआ था, कब हुआ था, ये भी बताना, ईयर भी बताना है, चलो, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाली है, सतत विकास का लक्ष्य कितने वर्षों का है, सतत विकास का लक्ष्य जो है ना, ये अभी रिसेंटली में जो ये अपडेट है 2016 से 2030 तक का है, ओके, ये भी याद रखना है। सतत विकास के लक्ष्य जो है 17 लक्ष्य है, 17 के 17 लक्ष्यों को आपको याद रखना होगा, मैंने क्लासेस में करवा रखा है, PDF में भी दे दिया है, है ना, सब कुछ मैंने करा रखा है, उसमें आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सतत विकास लक्ष्यों में से निम्नलिखित में से कौन नहीं है, मैं फोर्स कर रहा हूँ, नहीं है। तो इस तरह से सवाल देखने को मिलता है, अगर आप 17 याद हैं तो उनमें से एक आपको आसानी से निकाल सकते हो कि ये वाला नहीं है, तो और लगातार इससे संबंधित सवाल पूछे जाते हैं, है ना, तो आप इनको भी ध्यान रखेंगे।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहता है देखो ये रियो डी जेनेरियो किस शहर का किस देश का शहर है, है ना। रियो डी जेनेरियो जैसे मैंने बताया था वहां पे क्या हुआ था आपको बताना है, और अभी बताना है कि रियो डी जेनेरियो जो है किस देश का है, तो ये ब्राजील के हैं, है ना, तो ब्राजील का है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा था निश्चयवाद की परिकल्पना को किसने संभाव प्रस्तावित किया था, विस्थापित किया था। इससे पहले हम लोग संभावनावाद देखे थे, अभी हम लोग देख रहे हैं निश्चयवाद। अब कंफ्यूज नहीं होना, ओके, दो अलग अलग चीजें हैं, संभावनावाद अलग है, उसके बाद आपका निश्चयवाद जो अलग है, तो इसका आंसर हो जाएगा एस्टवर्ड हंटिंगटन, है ना। हंटिंगटन आपको ऐसे भी ऑप्शन देखने को मिल सकता है, हंटिंगटन सिर्फ देखने को मिल सकता है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे, ओके। निश्चयवाद की परिकल्पना किसने दिया था, हंटिंगटन ने दिया था, किसने दिया था, हंटिंगटन, ये सब इंपॉर्टेंट है, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है सतत विकास को प्राप्त कर सकते हैं, सतत विकास को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, जनसंख्या वृद्धि को कम करके और वनों को बचा करके या प्रदूषण को फैला करके। देखिए ये भी एक प्रकार का समझ पे आ रहा हो कि ये सब भी लक्ष्य का है। आप जैसे कि सतत विकास को कैसे हम प्राप्त कर सकते हैं, 17 लक्ष्यों को जैसे हम लोग उसको सही जैसे जैसे चीजें बताई गई है उनको हम फॉलो कर लेंगे, जैसे आपका जनसंख्या पर नियंत्रण करेंगे तो हम लोग सतत विकास मिल जाएगा, अच्छे पानी हम लोग पेयजल अच्छे रहेगा तो हम लोग सतत विकास का मतलब कि और आ जाएंगे प्राप्त कर लेंगे, उसके बाद हम लोग अगर बेहतर शिक्षा प्राप्त कर लेंगे तो उसमें भी हम लोग सतत विकास की प्राप्ति करेंगे, और अगर उसी तरह से आपके ऑप्शन में दे देगा प्रदूषण फैलाकर, अगर प्रदूषण आप फैलाओगे तो ये सतत विकास का लक्ष्य नहीं है, सतत प्रदूषण को दूर करना हमारे लक्ष्य है, तो इस तरह से आपके ऑप्शन जैसे कि कहा जाता है जनसंख्या वृद्धि को कम करना उसके वनों को बचाकर, ये दोनों सही है, प्रदूषण फैलाकर नहीं, प्रदूषण फैलाकर आप सतत विकास से दूर होते जाओगे, ठीक है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे। देखिए आपको बताया था मैंने जैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता तालाब का जल को कौन सा पर्यावरण है, यानी कि तालाब का जल जो है ना वो कौन सा पर्यावरण है, बाह्य पर्यावरण, आंतरिक पर्यावरण या दोनों है या इनमें से कोई भी नहीं है। इस तरह से सवाल एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, है ना, तो आप इसको देखोगे तो इसे बाह्य पर्यावरण है, है ना, तालाब का जल जो है ना क्या है, बाह्य पर्यावरण है। उसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 111, पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्मदर्शी जीवों को क्या कहा जाता है, पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्मदर्शी जीवों को क्या कहा जाता है, ये प्लवक कहा जाता है, है ना। तो आपके ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं निम्नलिखित में से प्लवक कौन है, तो ये आपको कहा जाएगा पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्मदर्शी जीवों का जीव, है ना, पर्यावरण में मौजूद सूक्ष्मदर्शी जीव जो है ना वो प्लवक कहलाता है, है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है, क्वेश्चन नंबर 112 में कहा जाता है भौतिक और सजीव कारक एक दूसरे के साथ क्रिया करके जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं। फिर से क्वेश्चन में रिपीट कर रहा हूं, भौतिक और सजीव कारक एक दूसरे के साथ क्रिया करके जिस तंत्र का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं, उसको हम लोग पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। आपको ऐसे भी सवाल पूछे जा सकते हैं, कई बार पूछे गए हैं कि पारिस्थितिक तंत्र क्या है, तो आपका क्या जाता है भौतिक और सजीव कारक एक दूसरे के साथ जो क्रिया करके क्रिया होती है जिस तंत्र का निर्माण करता है उसे ही पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 113 में कहा जाता है पृथ्वी के जिस भाग में जीवन पाया जाता है उसे क्या कहा जाता है, जिस मतलब हम लोग जहाँ पे रहते हैं उस भाग को क्या कहा जाता है, पर्यावरण कहलाता है, जीव मंडल, क्षोभ मंडल, संताप मंडल, ये सब भाई एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो ये जीव मंडल कहलाता है, इसको भी ध्यान रखेंगे, हम लोग जो जहाँ पे हैं वो जीव मंडल में है, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है जैविक और अजैविक घटक मिलकर किस तंत्र का निर्माण करते हैं, अगर जैविक और अजैविक दोनों मिल जाए तो वो किस प्रकार का घटक किस प्रकार का तंत्र का निर्माण करेंगे, वो पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण करेंगे। इस तरह से भी सवाल आपको घुमा के बोल पूछे जा सकते हैं, है ना। नेक्स्ट आने वाली है क्वेश्चन नंबर 115 में कहा जाता है तापमान एक घटक है, तापमान एक घटक क्या है, ये जैविक घटक का एक घटक है ना, तापमान किसका घटक है, जैविक घटक का, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 116 शीर्ष मांस पक्षी किस स्तर में गिने जाते हैं, शीर्ष मांस पक्षी जो है किस स्तर के में गिने जाते हैं, ये पांचवें स्तर पे गिने जाते हैं, तो ये मोबाइल नंबर है, इससे आप कॉन्टेक्ट करके पीडीएफ ले सकते हो, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास होने के बाद आप पीडीएफ जरूर ले लीजिए मेरे दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है, है ना। आप इधर उधर तो इन्वेस्ट कर ही करते ही हो, थोड़ा सा मुझ पे भरोसा रखो और थोड़ा सा मुझ पे इंटरेस्ट इन्वेस्ट कीजिए, है ना, इतना मुझे समय दीजिए, मैं पक्का आपको कहता हूँ कि आप बेहतर करोगे, ओके। तो ये आपके लिए बातें हैं, आप इस पे कॉन्टेक्ट करो 9241077866, ये नंबर है व्हाट्सएप का FCS टीम का, ओके, तो आप सभी FCS टीम के साथ जुड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाली है क्वेश्चन नंबर 117
चराई आहार श्रृंखला किससे शुरू होता है? चराई आहार श्रृंखला किससे शुरू होता है? ये घास से शुरू होता है। चराई आहार श्रृंखला किससे शुरू होता है? घास से शुरू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 118, अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तित करने के लिए कौन सा जीव कारक है? यानी अमोनिया को नाइट्रेट में परिवर्तन करने के लिए किस कौन से जीव कारक है? ये नाइट्रोसोमोनस जो है ना, ये इसका कारक है। ओके, चलो नेक्स्ट रहने वाली है क्वेश्चन नंबर 119 में, निम्न में से कौन सा तत्व अवसादी चक्र का भाग है? निम्न में से कौन सा तत्व अवसादी चक्र का भाग है? ये एक जो कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के दोनों जो है ना अवसादी चक्र का भाग है। आपको ऑप्शन में एक भी देखने को मिल सकता है। मैंने दोनों इसलिए रखा है क्योंकि आपको एक साथ एक क्वेश्चन के साथ साथ दो आपको पता चल जाए और आपको दोनों ऑप्शन देखने को मिल सकता है मेरे दोस्त। तो आप इस तरह से ध्यान रखेंगे, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों के दोनों अवसादी चक्र का भाग है। नेक्स्ट क्वेश्चन आने वाले क्वेश्चन नंबर 120 में, वायुमंडल में सल्फर किन कारणों से पहुंचता है? वायुमंडल में सल्फर किन कारणों से पहुंचता है? ये जो ना ज्वालामुखी की फटने से जो है ना वायुमंडल में सल्फर पहुंचता है। जब ज्वालामुखी फटता है तो नीचे से कितना आग निकलती है, उसी के माध्यम से वो जो है ना सल्फर जो है क्या होता है वायुमंडल में प्रवेश करती है। तो ये भी ध्यान रखेंगे, ये सब आपका इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस तरह से हम लोग देखेंगे तो 120 क्वेश्चन हम लोग का आज प्रैक्टिस सेट के तौर पर कंप्लीट हुआ। और इस तरह से हम लोग देखेंगे तो लगभग जैसे आपको मैं शुरुआत में ही बताया कि इतने क्वेश्चंस, इतने सेशन, इतने चीज़ें हैं, तो आप इतने देख सकते हो और हमारे साथ जुड़ सकते हो। जैसे कि YouTube में अपना 4Creative Studies है, टेलीग्राम चैनल भी है जो कि अपना 4Creative Studies के नाम से ही है और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इंस्टाग्राम भी है 4Creative Studies, उससे भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और व्हाट्सएप नंबर FCS टीम का जो है ना 9241077866 है, आप सभी कॉन्टैक्ट करके व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, है ना। वहाँ पे लेटेस्ट अपडेट, क्लासेस अपडेट, सारी चीज़ें वहाँ रेगुलर अपडेट होती रहती है, और वहाँ से PDF भी आप ले सकते हो। और टीचर जैसे कि मेरा नाम अभिषेक कुमार हुआ है ना, और मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी और करता भी हूँ और कराता भी हूँ। ओके, तो आप सभी, ये मेरी छोटी सी मतलब कि इंट्रो था। ओके, मेरा नाम अभिषेक कुमार है। चलिए, तो यही था हमारे तक, यही तक हम देख रहे हैं इस तरह से इस सेशन के लिए BEBA 181 का। फिर से मैंने बहुत सारे सेशन अपलोड कर रखा, न्यू क्वेश्चंस को लेके आया, जो जो अपडेट हो रही है वैसे क्वेश्चंस को मैंने आप सबों के बीच लेके आया, और इस तरह से हमारी सिलेबस फिर से कंप्लीट होती है आपके सेशन के लिए। और मैं कुछ कोशिश करूंगा कि अभी भी समय है आपके सेशन के लिए, तो मैं और कुछ नए क्वेश्चंस को लेके आऊंगा। और एक जैसे मैंने बताया था मैराथन क्लासेस भी बहुत जल्द आने वाली है, आपको मैं बता दूंगा, टेलीग्राम चैनल पे हो जाएगा, उसके बाद ये व्हाट्सएप ग्रुप में हो जाएगा आपका, फिर यूट्यूब के कम्युनिटी पोस्ट पे भी ये बता दूंगा। ओके, तो आप सभी हमारे साथ जुड़े रहिए, और जुड़ने के बाद जो है ना आपका बेहतर करोगे ये मुझे पता है। और ये PDF जरूर लीजिएगा, देख सकते हो आप PDF में, या ये 100 पेज का PDF है, आप सभी देख सकते हो कितने सारे क्वेश्चंस हैं, देख सकते हो आप, ये क्वेश्चंस भी है, ये सब सारे चैप्टर वाइज जैसे क्वेश्चन, ये प्रैक्टिस सेट के तौर पर है आपको मैंने जो है ना, आप ये इससे भी पढ़ोगे ना आपका सिविल सर्विसेज में भी काफ़ी हद तक काम देने वाले, क्योंकि मैं खुद पढ़ रहा हूँ उसके सिलेबस के बारे में, देख रहा हूँ तो क्या क्या चीज़ें हैं और इसमें क्या क्या मिलता है, बहुत कुछ ऐसे हैं जो कि मिलता जुलता है, और मैं इस पर इसलिए ध्यान भी दे रहा हूँ ताकि ये मेरे लिए भी काम दे देगा, है ना। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है जगह, ये बस छोटी सी बात है कि आप PDF ले लीजिए, और जैसे कि इसमें सारे चीज़ें जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये सतत विकास के बारे में दिया गया, सतत विकास के 17 लक्ष्यों के नाम मैंने दे दिया है ना, आप सभी देख सकते हो, इस पर आपको सब कुछ मिल जाएगा, A to Z मिल जाएगा मेरे दोस्त। प्रैक्टिस सेट के तौर पर देखो, है ना, ये सब देखो, सब कुछ आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा उसी PDF में, 100 पेज का PDF है, तो आप इसको जरूर लीजिएगा। और यहाँ पे मैं फर्स्ट पेज पे लेके जा रहा हूँ ताकि वहाँ पे आप देख पाओगे कि यहाँ पे जो है क्या है आपके चैप्टर नंबर 1 से है ना, जैसे कि यूनिट वन है, उसका इसी तरह से 2 भी होगा, 3, 4, 2 है ना, इसी तरह से मैंने पूरे चैप्टर की क्लासेस करवा रखी है, और ये PDF आपके लिए काफ़ी बेनिफिट्स देने वाली है, तो आप जरूर इसको लीजिएगा। जैसे मैंने कॉन्टैक्ट नंबर भी बता दिया है ना, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। चलिए, ये रहा आज के सेशन में, और आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे। उम्मीद करता हूँ आज के सेशन से आप सभी को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, बहुत कुछ देखने को मिला होगा, नए क्वेश्चन प्रैक्टिस के तौर पर आप देखें। और एक निवेदन भी है, जो भी चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर हिट करें। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से आप जरूर बताएं कि क्लास कैसा था, और आपका इसमें से कितने क्वेश्चन, आपका तैयारी कैसे हुई नहीं हुई, और मैंने एक क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में भी आंसर दीजिए। और हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।